ग्राम दहलिया सुल्तानपुर में श्री अखिलेश चंद अवस्थी जी के यहाँ ये बुआई की व्यवस्था हो रही है और स्वस्थ बीज चुन करके कृषक के द्वारा लाया गया है। और ये देखिए इस समय जो है क्योंकि बीज अगर स्वस्थ होगा सही होगा तो जमाव भी अच्छा होगा और अगली फसल भी अच्छी होगी। बीज की कटाई हो रही है, सिंगल बड ट्रेंच विधि से बुआई के व्यवस्था है। काटने वाले कर्मियों को इंगित करते हुए कि किस प्रकार से अच्छे बीज की कटाई करनी है। ये सिंगल बड में नीचे का पोर्शन बड़ा होना चाहिए ना। ये स्वस्थ कटे हुए एक आंख के टुकड़े सिंगल बड में श्रीमान आपको दिखा रहे हैं और कर्मियों को ये बताते हुए कि कहीं पर कटाई में त्रुटि न हो। ये सिंगल बड और ये इस तरफ जो है बीज का शोधन किया जा रहा है। इसको 5 से 7 मिनट तक डुबोएंगे, ठीक है। घोल तैयार किया गया है, इसमें 5 से 7 मिनट तक टुकड़े पड़ेंगे, ठीक है। 5 मिनट हो जा रहा है। बाबा स्टीम पड़ा है 0.1% का घोल। कितना डाला है? 100 ग्राम डाला और बाबा स्टीम 100 ग्राम। 1 लीटर में 1 ग्राम पड़ता है, 100 लीटर है तो 100 ग्राम पड़ जाएगा। इसमें अगर दीमक वगैरह लगता है ना तो 200 मिलीलीटर जो है क्लोरपाइरीफॉस्फेट मिला देंगे। सिंगल बड की बुआई हो रही है और भाई साहब के द्वारा कृषक को ये बताते हुए कि जमाव किस तरह होगा अच्छा और बुआई का सर्वोत्तम तरीका समझाया जा रहा है। ये कृषक के कर्मचारी गण बुआई कर रहे हैं। एक आँख कम से कम कितना करना करना देखिए, 4-5 में चलता है आराम। इसमें ही एक फायदा है कि जमाव बड़ा अच्छा होता है। और इस समय ये बुआई का कार्यक्रम हो रहा है। स्वस्थ सिंगल बट के कटे हुए ये टुकड़े आपके सम्मुख हैं और इधर बुआई हो रही है। बहुत ही उत्तम ग्राम दहेलिया में श्री अखिलेश कुमार अवस्थी जी के खेत में ये बुआई का कार्यक्रम हो रहा है। आप सब देखने वाले कृषक भाइयों से अनुरोध करूंगा कि सिंगल बड की बुआई प्रक्रिया ट्रेंच विधि से जरूर करें, क्योंकि इसमें जो है क्या क्या लाभ होते हैं अब आपके समक्ष हमारे हिसाब से निवेदन करूंगा कि बताने का कष्ट करें। एक तो बीज आपका इसमें बीज कम लगेगा, जहां आप 7 क्विंटल बीघा डालते हैं आपको इसमें 3.5 क्विंटल या 4 क्विंटल ही बीज लगेगा। दूसरा, जब आप बुआई करेंगे तो एक तो कटाई के समय में अगर कोई आँख खराब है तो वहीं से निकल जाएगी। दूसरा, जब आप इसमें रखेंगे, मान लीजिए फिर भी कोई बची तो रखते समय भी हम इसमें देख लेंगे कोई आँख खराब नहीं। अब हम जब यहाँ जमाव होगा, एक आँख का जमाव अगर आँख सही है तो जरूर होगा जी।
क्योंकि हमने सारी आंखें स्वस्थ डाली हुई है, तो हमको ये पता है कि हमारी कोई आंख खराब नहीं है, तो जमाव भी अच्छा होगा। जब दो आंख के या तीन आंख के टुकड़े डालते हैं तो उसमें पता ये होता है कि पता ही नहीं होता है कि हमने कौन सी आंख डाल दी खराब, और हम वो तो दिया हमने जगह घेरती है। जी जी। अब इसमें लगभग एक मीटर में इधर 5 टुकड़े हैं और इधर 5 टुकड़े हैं, तो अब ये समझिए कि जमाव जब होगा हमारा करीब 5 इधर हो जाएगा 5 उधर हो जाएगा। जी। तो एक मीटर में अगर 10 पौधे हमारे मदर सूट ही हो गए जी, तो अगर एक गन्ना मान लीजिए दो 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 ही दे, जब देगा 4 तक जी, मान लें हम दो ही दे, तब भी हमारे दोनों तरफ 20 हो गए, गैप नहीं दिखाई पड़ेगा। एक बार अगर हमने जमाव अच्छा कर लिया तो समझ लीजिए सब कुछ अच्छे बन गया। क्या इसमें एक फ़ायदा है, इस पे जो आपकी ये मेड़ है इस पे आप चाहे एक लाइन सरसों की दीजिए, चाहे चना बो लीजिए, चाहे आप आलू बो लीजिए, चाहे मसूर बो लीजिए, चाहे लहसुन बो लीजिए, जो भी है आपकी ये, आप जब इसमें पानी देंगे तो पानी आपको कितने में देना पड़ेगा, अगर आप ये आप रेजर से बोए होते ना तो इसमें पाटा लगाते तो आपको पूरा जब पानी दे पूरे में जाता, यानी जिस ये नाली है करीब 60% एरिया, 50% एरिया हमको पानी ही नहीं देना, एक बार अगर नाली में दौड़ा दिया बस पानी कब लगेगा, भागता हुआ चला जाएगा। जब रेजर में जो परंपरागत विधियां थी उसमें था कि भरते रहिए आपके पानी लगाने में आपकी बचत भी हो जाएगी, जैसे मान लीजिए आपका ट्यूबवेल यहाँ पे लगा है, नाली इस तरीके से बना दी तो एक नाली जैसे नहीं इधर से गया, इधर से गया और उधर से नाली काट दी, फिर उधर से चला आया, एक नाली में गया और उधर उधर से आया, इधर से आया और ये होता हुआ जैसे जैसे सांप नहीं चलता है जी, और आखिरी तक हो जाएगा जाके, और सुबह आके अब एक बार में आपको आइडिया लग जाएगा हमको इसमें कितने घंटे लगते हैं, चला दिया जाके बंद कर दिया तो 50% कम से कम पानी की बचत है। विंटर क्रॉपिंग ले सकते हैं आप, बीज कम लगता है, स्वस्थ बीज हम डाल रहे हैं, कोई खराब नहीं है, देखिए जमाव अच्छा होगा। आप बताइए कुछ, आपको अभी डर तो नहीं लग रहा है? डर कोई अच्छी बुआई हुई, काफी समझाने बुझाने के बाद अखिलेश जी जो है तैयार हुए हैं, इनको डर लग रहा है और पहली बार ये ट्रेंच से बो रहे हैं, आप बोइए तो डर लग रहा था क्या आपको? पहले सर डर तो लग रहा था लेकिन जब आपने बताया तो हमें विश्वास वन की बातों पर। और पहली बार आप इसे बो रहे हैं? जी पहली बार बो रहे हैं, सिंगल बड से पहली बार, और ये पहली बार बो रहे हैं और ये इस विधि से भी पहली बार बो रहे हैं, और लेकिन पहली बार बो रहे हैं तो लगभग 1 हेक्टेयर का खेत है बोया, तो फिर पहली बार में ही ज्यादा बो दिया। हाँ हाँ, और आगे से आप जो है और वेराइटी इसमें लगाइए, 0118 जी जी, CO 0118, कूसा 0872, ये सब अर्ली में है, और कुछ वैरायटी अभी एक और रिलीज हो गई है कोलक की 14201 जी, वो भी अर्ली में है, अभी रिलीज हुई है कुछ समय पहले, तो ये सारी प्रजातियां आपको यहाँ उपलब्ध होंगी। रोड के किनारे है खेत, और जब ये जमाव अच्छा होगा तो यहाँ पे लोग देखेंगे जी, हाँ देखेंगे नई तकनीक से। आपके गांव में इससे पहले किसी ने ऐसा बोया था? कभी नहीं सुना, तो इनके लिए भी एक नया अनुभव है, और जिनके जो गाँववासी हैं इनके लिए भी एक नया अनुभव है, हालांकि अभी इनके मन में थोड़ा संशय है जब तक जम नहीं जाता। जी धन्यवाद। जो भी एक आंख है खराब हो उसको तुरंत निकाल दीजिएगा, ठीक है, कोई खराब आंख नहीं डालनी है, और थोड़ा गैप देते जाइएगा, पार कर जाओ बिल्कुल देख ले, ऊपर आंख रखने से फायदा क्या होता है, किल्ले निकला ऊपर चल दिया, और जब नीचे जाएगी तो देखा होगा बिल्कुल ऐसे जाएगा, फिर उसको होम किया ना, ठंडक हो नहीं जमेगी। क्या फायदा होगा इसको ऐसे बुआई करने से भाई, बताओ जरा, थोड़ा गैप दे दो, बढ़िया है सर, है बढ़िया है, थोड़ा समय लगता है बुआई में कटाई में, लेकिन जमाव बहुत अच्छा होगा, जामन तो बढ़िया निकली। हेलो, और इसमें अवस्थी जी एक खास बात है, मिट्टी मिट्टी का मतलब इतनी गिरेगी टुकड़े पे, पाटा कभी नहीं लगता इसमें, अगर इसमें पाटा लग गया ना तो समझिए फिर पूरे पाटा लग गया। अब जैसे ये मिट्टी है ना इसको ऐसे इतने से काम चलेगा बस, बाकी कुछ देखो इतने से ही आ जाएगा। बस जब देखेंगे आप
तो उतनी आ गई होगी मिट्टी। इस पर देखिए, अगर आप ये का टुकड़ा था ये है ना, ये देखिए इतनी मिट्टी है, इतनी आ जाएगी। मिट्टी जो भी गिराए इसको ध्यान रखिए कि वो चार उंगली से ज़्यादा मिट्टी नहीं गिरेगी, और यही गिरेगी, ठीक है। और ऐसे ही देखिए नाम जितना कम मिट्टी उतना अच्छा जमाव। अब ये बनवारी लाल जी प्रगतिशील कृषक हमारे मध्य में आए हुए हैं बुआई के समय। अब हम ये चाहेंगे बनवारी लाल जी से कि इन लोगों को सुझाव दें और बतावें सिंगल बट से फ़ायदे और बुआई की विधियां। आपने चूंकि इसकी बुआई कर रखी है और अच्छा जमाव आपके यहाँ है, तो बताइए अखिलेश जी को अपना अनुभव शेयर करिए कुछ। हाँ, आपने इसी विधि से बोया है। ये बुआई कर रहे हैं, ये डर रहे हैं ना? नहीं, अवस्थित जी डराते हैं भाई, बड़ी मुश्किल में तैयार हैं। दूरी ज्यादा है, पैदावार ज्यादा वही तो, और दूरी में पैदावार ज्यादा होती है, दो नाली और बन जाती तो क्या होगा, इसमें गन्ना के वजनता बढ़ी और हमका निकाई गुड़ाई में यहाँ आराम से फसल भी तो ले सकते हैं। सरसों है, हाँ सरसों है, चना है, आलू है, लहसुन है, प्याज है, सब कुछ लगा लो। गन्ना मोटा होगा।